तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं। Hey guys, Kulumbai, Namaste, welcome to my YouTube channel, DB Travels, and I hope you all are fine. So guys, आज finally हम लोग बिनु waterfall को देखने के लिए जा रहे हैं अभी। आप लोग वीडियो पे बने रहे हैं और वीडियो को एंड तक जरूर देखना और जाने का रास्ता मैं आप लोग को इस ब्लॉग पे बता के जाऊँगा, इसलिए आप लोग वीडियो एंड तक देखना ज़रूर, ठीक है। और आगे स्कूटी पे मेरा दोस्त विधान एंड और आगे NS 200 पे आफान एंड सांसुमा और मेरे पीछे है मिर्जिंग हंसी। और अगर आप लोग लाइन से आते हैं तो आप लोग को फुलोनी गांव तक आके लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा, और अगर आप लोग फुलोनी से आते हैं तो आप लोग को फुलोनी गांव तक आके राइट जाना पड़ेगा। तो अभी हम लोग राइट साइड जाएंगे, ठीक है। और राइट साइड जाके आप लोग को पूरा सीधा जाते रहना है और आगे डायरेक्शन का मैं आप लोग को बता के जाऊंगा, ठीक है। तो गाइस वहाँ से सीधा आके लेफ्ट लेना है यहाँ से, तो अभी हम जाएंगे लेफ्ट साइड और सीधा जाना है यहाँ से, ठीक है। लेफ्ट लेके सीधा आने के बाद आप लोग को बेलतोला मिलेगा और बेलतोला से आप लोग को राइट जाना पड़ेगा। तो गाइस बेलतोला से सीधा आके यहाँ से राइट लेना पड़ेगा, और मुझे यहाँ का गांव का नाम भी पता नहीं है, इसलिए मैं गांव का नाम मेंशन कर नहीं पाऊँगा, ठीक है। तो हमें यहाँ से सीधा जाना पड़ेगा आप। और गाइस वहाँ से सीधा आके अब यहाँ से हमें जाना है लेफ्ट साइड। तो और भी रास्ते हैं इस जगह में जाने के लिए, ठीक है। और यहाँ से फिर से राइट साइड और अब हमें सीधा ही जाते रहना है, ठीक है। कोई भी लेफ्ट राइट नहीं लेना है, बस सीधा जाते रहना है। उस दिन हम लोग यहाँ से रास्ता बता गए थे, तो उस दिन हमको यहाँ से लेफ्ट लेना था, तो हम लोग ने सीधा चला गया, इसलिए हम लोग बता गए थे। अभी हम लोग को लेना है राइट साइड। कर लिया यार, तो अंदर सामने चलते हैं अभी। और सीधा जाते रहना है और सीधा आधे रास्ते ही जा सकती है, और आगे आप लोग को बाइक पार्क करके आप लोग को पैदल जाना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट्स गो गाइस। अभी हम लोग बाइक को यहाँ पे पार्क कर लेते हैं, यहाँ पे पार्क करेंगे और निकलते हैं, ठीक है। और बाइक पार्क करने के बाद मिलते हैं हम यहाँ से। पार्क कर लिया है, अभी हम लोग जाएंगे यहाँ से। अभी यहाँ से हम लोग को पैदल जाना पड़ेगा, मतलब यहाँ से लगभग 4 to 5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा हमें। हमारा ट्रैकिंग शुरू होता है यहाँ से, और यहाँ पे आपको एक नदी मिल जाएगा। आगे है विधान, हाय बोल दो एक बार। इतना ठंडा यार पानी। हमारे पीछे कुछ लोग भी आया हुआ है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं यार, अभी हम लोग को पूरा 5 किलोमीटर ट्रैक करना पड़ेगा पहाड़ में, और हमको इस 5 किलोमीटर को कम्प्लीट करने के लिए लगभग 2 आवर्स लगेगा। 2 आवर्स के बाद ही हम लोग पहुंच पाएंगे यार उस वाटरफॉल पे। देखो सारा नज़ारा, और वहाँ पे है एक घर। और देखो यार गर्मी से हालत खराब हो गया है,
5 किलोमीटर इतना आसान नहीं है यार पैदल जाने में। हाँ से देखते हैं कर पाते या नहीं। यहाँ पे थोड़ी सी आगे आपको वाटर क्रॉस करना पड़ेगा, थोड़ी सी दीवार है, बहुत ही ठंडा है यार यहाँ पे। और ये मतलब आगे आके आप लोग को ये वाटर रिवर मिल जाएगा। वाओ इतना सफा मानो आगे है। अभी मैं आप लोग से उसको इंट्रोडक्शन नहीं करूँगा, मैं हम लोग के पीछे बाद में इंट्रोडक्शन करवाऊँगा हमारे जो गाइड। लाइफ में मैंने पहाड़ में कभी भी ऐसा मतलब 5 किलोमीटर ऐसा पैदल नहीं गया हूँ एक बार भी। ये आज मेरा लाइफ का पे फर्स्ट एक्सपीरियंस है, देखते हैं आज क्या हालत होता है मेरा यार। ऊपर यार सांस फूल गया मेरा और बहुत जरा भी गर्मी है यार। मिर्जंग मेरे ख्याल से लड़की लोग के लिए ये पॉसिबल होगा क्या? हाँ बोलो यार पॉसिबल है कि नहीं? देखो वहाँ पे एक घर है जो हम कल्टिवेशन करते हैं वो लोग। अपन कैसा फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। मेरा तो गान फट रहा है यार। और अभी हम लोग 5 किलोमीटर का आधा भी कंप्लीट नहीं किया है और ऐसे में हालत देखो क्या हो गया। ओ मेरे पास गूगल से यार पेन लेते हैं। ओ यहाँ पे पानी है, पानी पी लेते हैं, पानी पी के चलते हैं। ठीक है नया गूगल से यार पानी पी लेते हैं यार पानी। पानी पी लिया है अभी हम लोग ने। और आप लोग जब यहाँ पे आते ना साथ में बोतल में पानी कैरी करके ले आना। वैसे भी हम लोग ने पानी कैरी किया है, अभी बोतल का पानी यूज़ नहीं करेंगे मतलब ख़त्म हो जाएगा तो बाद में पछताना पड़ेगा। और विदान एंड सांसुमा तो पीछे रह गए हैं वो लोग, हम लोग उनके बहुत आगे आ गए हैं। आगे मिलता हूँ। आके पूरा टायर हो चुका हूँ मैं यार। और आज उस जगह को देखने को मिल रहा है उसके वजह से भी मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी यार टुडे बिकॉज उस वाटरफॉल को अभी हम लोग देखने के लिए जा रहा है यार। उस दिन आके जंगल में बतख के देखने को नहीं मिला था उस वाटरफॉल को, अभी आज आप लोग को भी दिखाऊंगा और हम लोग भी इंजॉय करेंगे उस वाटरफॉल से। ठीक है इतना गर्मी है यार, गर्मी नहीं होता तो जाने में और ज़्यादा इजी होता हमारे लिए। और बहुत दूर है यार, ऐसा नेचर की ब्यूटी कहाँ पे देखने को मिलेगा यार? हिली एरिया पे तो देखने को मिलता है ऐसा। ये है मेरा फ्रेंड अफान और वो है हमारा गाइड सीसी कर रहा है निर्जंग हमसे। आज इसके वजह से हम लोग उस जगह में जा पाएंगे। निर्जंग हाय बोल दो। हाय। और कितना दूर है? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर ओ हम लोग ने 2 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया। हाँ। ओ मुझे तो पता ही नहीं चल गया यार 2 मीटर कंप्लीट हो गया। ठीक है मे बी। तो ये है सांसुमा। हाय सांसुमा अभी। हाँ। पैदल आके कैसा लग रहा है? पैदल आके तो बहुत मजा आ रहा है, मतलब क्या बोलू, आज लाइफ में पहली बार आया है ना। पहली बार ना। हाँ। पहली बार एक्सपीरियंस। हाँ। संजुमा का भी यूट्यूब चैनल है, उसका क्या था संजुमा? के आर बी संजू है उसका चैनल का नाम। एक बार चैनल पे विजिट कर लेना और वीडियो देख लो और अच्छा करो, सब्सक्राइब कर दो यार उसका चैनल। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना। ठीक है और आगे 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 कौन है ये लड़का? कौन है यार? है विरान मेरा बचपन का दोस्त।
इतना गरम है ना, बहुत गरम। कितना गरम? ओ 36 टेम्पर। अरे मैं आप लोग से मैं आगे मिलूंगा पूरा, ठीक है। अभी मैं ज्यादा बातें करूंगा तो ज्यादा थक जाऊंगा। और अभी पहुंचने वाला है, ज्यादा दूर नहीं है, 4.5 किलोमीटर होगा शायद। और यहाँ पर है क्या, बोराई। इस गांव का नाम है बोराई टीसो गांव। गांव भी है यार, इतने पहाड़ के इतने अंदर आ गए हैं हम लोग, लगभग 4 किलोमीटर आ गए हैं। और देखो आके यहाँ पे देखा है, गांव है यहाँ पे, से रहते हैं ये लोग। देखो यार, खेती करके ये लोग यहाँ पे अपना पूरा जीवन गुजारा करते हैं। और एक बार बोलना चाहूँगा, इस गाँव का नाम है बोराई टीसो गाँव। कितना स्ट्रगल करना पड़ता होगा यार इन लोगों को, रहने के लिए अच्छा घर नहीं है, देखो खाने के लिए। इतना सुंदर है यार जगह यहाँ पे, देखो वहाँ ब्यूटीफुल प्लेस, उधर भी देखो। ये है इसका वाटरफॉल का फर्स्ट स्टेप, वो उस तरफ भी है देखो। हम लोग जाएंगे ऊपर और, ठीक है, राइट और ऊपर से। अरे भाई अपन रो, मैं कर नहीं पाऊंगा यार, इधर इसके ऊपर चढ़ना है मुझे। अब अपन रो या कर लिया को यार, इतना ऊपर और जाना पड़ेगा। हेलो थक गया हूँ यार इतना, ओह और कितना ऊपर जाना पड़ेगा। चलो चलते, जाना तो पड़ेगा ही यार, इतना रिमोट एरिया कि वाटरफॉल पे आया है तो जाना ही पड़ेगा। वो देखो वाटरफॉल का, मान लो सेकंड स्टेप है ये, लगभग पहुँच ही गए हम लोग यार। मिर्जें कितना दूर है? और थोड़ा, ठीक है चलो। ओ अब यहाँ से कैसा रास्ता है यार, इतना डेंजर है, शेर को गिर गया तो नीचे, गिर गया तो सीधा खत्म। अच्छे से चलो यार, अच्छे से। अब यहाँ से पानी क्रॉस करना पड़ेगा इस रिवर को, चप्पल खोल लेते हैं। अरे इसने तो बिना चप्पल खुल के चला गया, चप्पल खुल लिया लेते हैं फिर चलते हैं। इतना ठंडा है रे बाबा पानी, मजा आ गया। फाइनली हम लोग फंस गए हैं यार, देखो वी डिड इट यार। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं, लगभग 2.5 आवर्स के स्टे करने के बाद हम लोग वाटरफॉल पे पहुंच गए हैं, बिनुम वाटरफॉल पे। अभी हम लोग बिनुम वाटरफॉल पे है, अभी मैं आप लोग को दिखाना हूँ, ठीक है। ये देखो वाटरफॉल, ये है वाटरफॉल, फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं। तो वाटरफॉल यही है, ऊपर लोग तो ऊपर चला गया है, वो देख सकते हैं ऊपर लोग भी है। मतलब ऊपर जाने का बहुत रिक्स है, हम लोग वो रिक्स उठाना नहीं जाते, इसलिए हम लोग ऊपर नहीं जाएंगे। सच में यहाँ तक आके बहुत अच्छा लगा। Thank you.
गाइस अभी हम लोग उस जगह से घर के लिए वापस निकल गए हैं। हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया है वाटरफॉल पे। हम लोग ने नहाया भी और खाने के लिए कुछ ले गए थे हम, खा के हम लोग आराम से पानी में नहाया और नहा के पूरा मतलब नहा के पूरा ड्रेसअप करके वापस हम लोग अभी घर के लिए निकल रहे हैं। 2 घंटे के बाद ही हम हमारे जो बाइक पार्क किया था उस जगह पे फिर पहुंच जाएंगे। और आप लोग वीडियो देख के एंजॉय किया होगा एंड वीडियो और अच्छा लगा तो आप लोग सब्सक्राइब कर देना, और अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और अच्छा लगा तो कमेंट कर देना, ठीक है। और जो लोग मेरे चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कर दो यार, सपोर्ट कर दो। आप लोग को भी सपोर्ट चाहिए तो बोल देना कमेंट पे, मैं आप लोग को सब्सक्राइब बैक कर दूंगा, ठीक है। और इस जगह को मैंने हमारे एक कार्बी आंगलोंग का ब्लॉगर है, कार्बी ब्लॉगर, उसका यूट्यूब चैनल का नाम है जेनू ब्लॉग्स। तो उसके ब्लॉग्स में मैंने देखा था इस जगह को, और इस जगह को देख के मुझे भी आने का मन हुआ था, इसलिए मैं आज आके उस जगह को एक्सप्लोर कर लिया है। बहुत ही अच्छा लगा है एंड थैंक यू जनरल सर आपने इस जगह के बारे में वीडियो बना के सबको पता चलाने के लिए। तो आज हम लोग इस जगह पे म्यूजिंग के वजह से आ पाए हैं, म्यूजिंग नहीं होता तो हम आज फिर कहीं बात तक जाते। म्यूजिंग थैंक यू सो मच हम लोग को इस जगह को तक लेने आने के लिए। तो आप लोग को गाइड चाहिए तो बोल देना, मेरे पास गाइड है अभी, और गाइड को आप लोग को एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा तभी मिलेगा, नहीं तो आप लोग के साथ कोई नहीं जाने वाला है। तो अगर आप लोग का किसी दोस्त है तो लेके आ सकते हो, ठीक है। ठीक है तो अभी मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ। दिस इज देवी ट्रेवल्स साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर। ये हम लोग ने पानी के लिए कल करके आया हूँ, मिस्टेक।